गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा, इसके पहले की क्लास में हमने डिवीजन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका हमने मेंटल मैथ्स पढ़ लिया है। ओके, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, फटाफट से आपका टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 94 और मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आपको मेरे साथ साथ में एक्सरसाइज सॉल्व करते जाना है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें मैच द डिवीजन फैक्ट्स विद देयर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, है ना। अब हम अगर यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में दो ग्रुप है। ओके, ये है हमारा ए ग्रुप और ये है हमारा बी ग्रुप। ओके, अब ए ग्रुप में देखो डिवीजन दिया हुआ है और बी ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन दिया है, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ डिवीज़न करके आंसर दिए हुए हैं और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर दिए हैं। हमें यहाँ पर करेक्ट डिवीज़न का करेक्ट मल्टीप्लिकेशन मैच फाइंड करना है और उसके साथ में उसे उसका पेयर बनाना है। ओके, तो अब हमारे पास में फर्स्ट दिया हुआ है 15 / 3 = 5, मतलब 3 का टेबल कितना टाइम बोला है, 5 टाइम बोला, जब कितना आंसर आया, 15 आया, है ना। देखो हम यहाँ करके देखेंगे, 3 15, है ना। अब 3 का टेबल हमें बोलना है, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 50। तो जब हमने 3 का टेबल 5 टाइम बोला तब हमें आंसर में मिला 15। ओके, उसी तरह से अब हमें ये फैक्ट, डिवीज़न का फैक्ट हमें मल्टीप्लिकेशन में फाइंड करना है। तो कहाँ आएगा, हाँ देखो यहाँ पर दिया हुआ है 15 / 3 = 5 और यहाँ डी ऑप्शन में देखो डी वाला दिख रहा है सभी को, दिया है 3 × 5 = 15। ओके, यहाँ 15 / 3, 3 को हमने डिवाइड किया है तब 5 आंसर आया और 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तब हमें 15 मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका मैच द पेयर आएगा डी। ओके, इसी तरह से अब हमें बाकी के 4 भी सॉल्व करने हैं, है ना। अब सेकेंड है 40 / 5 = 8। ओके, तो 5 का टेबल जब हम 8 टाइम बोलेंगे तब हमें मिलेगा 40, है ना। तो अब यहाँ पर देखो कहाँ दिया हुआ है, ये देखो 8 5 = 40, इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका करेक्ट मैच ये रहा। टेबल बोलते जाना है, है ना। यहाँ पे सेम दिया हुआ है, सिर्फ इतना फाइंड करना है हमें, यहाँ डिवीज़न दिया हुआ है और उसी का इधर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ है, तो हमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को करेक्ट मैच करना है। ओके, देन 42 / 6 = 7, जब हम 6 का टेबल 7 टाइम बोलेंगे तब हमें मिलेंगे 42। और देखो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, 6 का टेबल 7 टाइम बोला तो आया 42। ओके, तो इसका मैच आएगा यहाँ। देन 24 / 3 = 8, मीनिंग फिर से 3 का टेबल 8 टाइम बोलेंगे फिर क्या आएगा, 24। फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8 × 3 = 24। देन 18 / 2, 9 का टेबल जब हम 2 टाइम बोलेंगे तब हमें कितना मिलेगा, 18। तो देखो यहाँ कहाँ दिया हुआ है, यस ये। तो इस तरह से हमने 5.2 एक्सरसाइज का ए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। ओके, अब क्वेश्चन बी। अब क्वेश्चन बी में हमें क्या करना है, चलो रीड करो और बताओ मुझे क्या करना है क्वेश्चन बी में। तो क्वेश्चन बी में हमें राइट 2 डिवीजन फैक्ट फॉर दीज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिए हुए हैं, है ना, और उसका 2 टाइम में हम किस तरह से डिवीजन कर सकते हैं ये हमने पढ़ा है ना। 1 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को हम 2 टाइम डिवाइड कर सकते हैं और वो कैसे करना है वो हमें यहाँ पर राइट करना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है 10 × 2,
इज इक्वल टू 20 ये दिया हुआ। और अब हमें इसे राइट करना है, वन दिस इज द वन टाइप और उसका ही ये सेकंड। तो चलो अब बताओ मुझे किस तरह से हम इसे टू टाइप में कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, सबसे पहला टाइप आएगा हमारा 20 को हम 2 से करेंगे, है ना, 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10, देन 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5 किया, हमारे इसी में हमको आंसर मिला क्वेश्चन में, है ना। देन इस तरह से भी और हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 20 देखो 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2, इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। ओके अब नंबर 2 दिया हुआ है, 9 × 4 इक्वल टू 36 है दिया हुआ। अब इसे टू टाइप्स में राइट करना है, तो किस तरह से करेंगे हम, चलो 36 डिवाइडेड बाय 4 9 ओके। देन नेक्स्ट आएगा हमारा 36 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 4, है ना। देखो हमने टू डिवीजन फैक्ट बना दिए, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में दिया हुआ था और इस मल्टीप्लिकेशन को हमने डिवीजन के टू टाइप्स में कन्वर्ट किया। ओके देन नंबर 3, अब नंबर 3 दिया हुआ है 8 × 16 है दिया हुआ इस तरह से। अब हमें इसे टू टाइप्स में करना है डिवीजन के टू फैक्ट्स। चलो फर्स्ट कौन सा आएगा, फिर से 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 8, है ना, 2 का टेबल 8 टाइम बोलेंगे जब 16 आएगा। देन अनदर सेकंड पार्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 2, 8 का टेबल हम 2 टाइम बोलेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। देन नंबर 4, 6 × 7 ओके इस तरह से दिया हुआ है। तो चलो फिर से इसका बना लेते हैं, तो कैसा आएगा, 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6, ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड कैसे बनेगा, 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7, है ना, बहुत इजी है। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और हमें उसे डिवीजन फैक्ट में बनाना है। ओके देन लास्ट वन 5 नंबर का, है ना, तो 5 × 6 5 × 6 = 30 हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है डिवीजन फैक्ट फर्स्ट कैसा बनेगा फिर। हाँ देखो इसको लिखने का बहुत इजी तरीका है, ये जो इसका आंसर आया ना वो हम यहाँ राइट कर देंगे। ओके देन सबसे पहले हम 30 को 6 से करते हैं, है ना, 30 डिवाइडेड बाय 6, अब 6 का टेबल 30 में कितना टाइम आएगा, 5 टाइम, बन गया हमारा फर्स्ट। ओके अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। फिर से सेकंड बनाना है, तो अब 30 डिवाइडेड बाय, अब हमने यहाँ पे 6 लिखा था तो फिर हम यहाँ क्या राइट कर देंगे, 5 राइट कर देंगे, तो 5 × 6 = 30 इस तरह से, है ना, हमारे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में ही हमारा डिवीजन फैक्ट जो है वो छुपा हुआ है। ओके सो इस तरह से हमने बी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। अब सी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स, सभी को टेबल्स आते हैं और सभी को डीवी टेबल्स का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है, है ना। देखो फर्स्ट दिया हुआ है सी सेक्शन, सी क्वेश्चन देखो फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट है 7 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 है दिया हुआ इस तरह से, है दिया हुआ, हाँ। तो अब क्या करेंगे फिर हम, आंसर क्या आया है हमारा 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यस 7, है ना।
देन नंबर टू है फोर, फोर डिवाइडेड बाय फोर, क्या आएगा आंसर? वन। देन नंबर थ्री डिवाइडेड बाय नाइन, क्या आएगा यहाँ? यस नाइन। देन फोर्थ डिवाइडेड बाय एट इक्वल टू वन, फिर क्या आएगा? एट। फाइव नंबर डिवाइडेड फाइव इक्वल टू जीरो, अब यहाँ क्या आएगा? यस जीरो। अब सिक्स नंबर का देखो दिया हुआ है फाइव जीरो जीरो, है ना, यहाँ क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि आंसर क्या दिया हुआ हमारा? जीरो। और ये जो है वो क्या है? नॉट अलाउड है, क्योंकि इस तरह से हम डिवाइड नहीं करते। ओके सो बेटा, ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद की क्लास में हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से 5.3 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास आते तक क्या करना है आपको? एक्सरसाइज 5.2 जो है वो सॉल्व करनी है। फिर से एक बार आपको याद दिला देती हूँ, आप थर्ड स्टैंडर्ड में गए हो तो आपको 20 तक टेबल्स लर्न होने चाहिए, है ना। तो फिर से टेबल लर्न करते रहो, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।